आज मैं आपके साथ वही हल्दीराम नागपुर वाली सीरीज में अपना लास्ट प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ मैं, जो मैंने आपको सीरीज दिखाई थी जिसमें सारी स्वीट्स थी, उसमें ये लास्ट प्रोडक्ट है जो कि है पीनट चिक्की बार। अगर आपने नहीं देखा है तो हल्दीराम नागपुर से हमने कुछ स्वीट्स ऑर्डर करी थी, प्लीज आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको उस पर बहुत अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे। और इस पे जो है ये पीनट चिक्की बार जो है ये भी नागपुर हल्दीराम से ही हमने ऑर्डर करी है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको, हमने डायरेक्टली हल्दीराम से करी थी, आप अमेजोन वगैरह से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो पीनट चिक्की बार मतलब गुड़ की पट्टी जो होती है, गुड़ और मूंगफली की पट्टी जो होती है इसको बोलते हैं, और गच्चक बोलते हैं इसको कुछ जगह पे, अगर हम पंजाबी हैं तो अपने गच्चक के नाम से फेमस है ये। और इसकी जो ओरिजिनेशन है वो 19th century पे जाती है। 19th century में मगनलाल अग्रवाल, लोनावला में मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है, अगर वहां के हैं तो आपको पता होगा, वैसे भी आपने मूवीज वगैरह में सुना ही होगा लोनावला के बारे में। तो लोनावला जो मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है, वहां पे मगनलाल अग्रवाल एक कन्फेक्शनरी स्वीट शॉप जो थे उन्होंने ये चीज इन्वेंट करी थी, और इसको जो है इसको गुड़दानी के नाम से जाना जाता है वहां पे, गुड़दानी के नाम से, और फिर इसका नाम जो है पीनट चिक्की बोला गया था। उन्होंने गुड़ और मूंगफली और घी के साथ प्रिपेयर करी थी, तो इसलिए इसका नाम जो है गुड़दानी बोला गया था। और ये जो है एक और स्टोरी जो इसके बारे में जाती है वो ये है कि रेलवे ट्रैक पे जो वर्कर्स जब रेलवे ट्रैक्स ले की जा रही थी इनिशियली 19th century में, तो उन्होंने ये एक एनर्जी बार की तरह थी वर्कर्स के लिए जो वहां पे काम कर रहे थे, तो ये जो है ये बड़ी फेमस है। और इसका मैं आपको एक और नाम बता देती हूँ, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जो कि कदाला मिठाई है, जो मुझे सर्च करने पर पता चला है, और ये ओरिजिनल वर्जन है जो कि मतलब गुड़ और मूंगफली की जो है वो ओरिजिनल गच्चक आती है। इसके अलावा जो है आपको आजकल और भी वर्जन इसके मिल जाते हैं, और फ्लेवर्स के साथ, जैसे रोज फ्लेवर के साथ, और तिल वाली गच्चक, और कई सारे ऑप्शन आते हैं, चीनी वाली गच्चक भी मिलती है। तो इसलिए ये जो है ये ओरिजिनल वर्जन है पीनट चिक्की, और ये 120 rupees का बॉक्स पड़ा है मुझे, और ये जो है नवंबर में मैन्युफैक्चर्ड है, और फरवरी 21 तक ये ठीक रहेगा। और ये इसमें भी मेंशन किया है कि ये प्रोटीन रिच बार है, और इसमें जो है दिस इज विद द गुडनेस ऑफ प्रोटीन एंड आयरन मेड विद रोस्टेड पीनट्स, और इसमें जो है इन्होंने इलायची का फ्लेवर भी दिया है इसके अंदर, जो कि इस बॉक्स पे मेंशन करने में पता चल रहा है, और इसमें 25% एक्स्ट्रा मेंशन किया हुआ है। और ये जो है अब मैं आपके साथ इसको ओपन करके भी आपके साथ इसका टेस्ट शेयर करूंगी कि मेरे को ये खाने में कैसी लगी। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो इसमें टोटल जो बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है 24 यूनिट्स है इसके अंदर, तो और अगर आप ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, आपको शायद यहाँ से पता चल रहा हो, ये देखिए इस तरह से पैक्ड है, ये जैसे किटकैट की चॉकलेट नहीं होती है उस तरह से सेपरेट पैकिंग है, और इसमें जो है 24 पीसेस हैं इसके अंदर, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा दी हुई है, तो इसके अंदर 24 पीसेस आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं मतलब जैसे बिल्कुल चॉकलेट होती है, जैसे डेयरी मिल्क या किटकैट की चॉकलेट आपने देखी होगी, उस तरह की पैकेजिंग में है, सिंगल पैकेजिंग है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार खुल गई तो वो डैम्प हो जाती है, सिल जाती है गच्चक, उसका भी ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। तो आपको जितनी भी खानी है वो पैकेट आप ओपन करके खा सकते हैं, और बाकी जो गच्चक है वो बिल्कुल इसमें अंदर अच्छे से पैक्ड है। तो मैं जो है आप देख सकते हैं इसको सेपरेट पैकेजिंग में है सारे यूनिट। चलिए मैं आपको एक खोल के आपके साथ शेयर करती हूँ उसको कि मुझे ये कैसी लगी खाने में। ये देखिए बिल्कुल मतलब जैसे होती है ना मूंगफली और गुड़ की गच्चक, बिल्कुल वैसी लग रही है ये, और काफी मतलब बड़ी है ये और थिक भी है, देख सकते हैं, और क्रिस्पी भी लग रही है ये इसका अच्छा है, क्योंकि अगर हम जब वैसे हम पैकेट में गच्चक लाते हैं तो ये होता है कि हम अगर जब उसको ओपन कर लेते हैं और अगर हम बॉक्स में नहीं डालें तो वो
सिल जाती है, इवन बॉक्स में डाल के भी होता है कि वो सिल जाती है। तो इस तरह से आपकी सिलेगी नहीं, अच्छे से पैक्ड रहेगी। तो जैसे मैंने बाइट ली है तो क्रिस्पीनेस का एक टेस्ट आ रहा है, क्रंच है एक गच्चक के अंदर, तो ऐसी ही अच्छी लगती है। अगर ये बिल्कुल सॉगी हो जाए तो उसका मजा नहीं आता है खाने का। तो ये सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है ये, और मुझे पर्सनली यही वाली गच्चक अच्छी लगती है। मतलब आप कई सारे वर्जन आजकल आ गए हैं, रोज वाली, तिल वाली, वो वाली, पर वो उसका कोई मजा नहीं आता है। ओरिजिनली यही वाली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और इसमें यह है कि मीठा भी बहुत सही है इसके अंदर, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब इसके अंदर इलायची का टेस्ट भी है, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है बॉक्स के अंदर, इसमें इलायची है इंग्रेडिएंट्स में। इलायची का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। तो मैं ये जरूर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये मंगवा सकते हैं, क्योंकि जनरली जब हम मार्केट वगैरह से लेते हैं तो बहुत सॉगी होती है। इसकी सबसे बड़ी कंप्लेंट मुझे यही लगती है कि पैकेट खोल लेते हैं तो हवा से, मॉइस्चर से वो खराब हो जाती है अगर आप उसको जल्दी यूज ना करें तो। बट ये जो है ये सबसे मुझे बेस्ट लगी, तो आप इसको जरूर ऑर्डर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे आएंगे 24 यूनिट्स है 120 रुपीज के। तो आप ये जरूर ऑर्डर कर लीजिए, और एक बॉक्स में भी आपको अच्छे से मिल जाती है, तो ये भी एक एडिशनल आपके लिए फायदा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक टू इट, सब्सक्राइब इट, शेयर कीजिए। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं हमारे को, तो हमारे को पता नहीं चलता है कि हम और क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करें। तो प्लीज आप जरूर हमारे को कमेंट करके बताइए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है। अगर आप अपने व्यूज हमारे साथ अच्छे से शेयर करेंगे तो ही हम अपना चैनल और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक टू इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।